हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं हिमस्टार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आई हूं मैक्लोडगंज में। मैक्लोडगंज, जी हाँ, जैसे कि यहां का नाम लेते ही ठंड लगना शुरू हो जाती है। यहां पे लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कैसा लग रहा है उन्हें यहां पे आके और यहां पे घूम के। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मतलब नई नई चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी ये मतलब स्टोन, मतलब जो पत्थर से बनी होती है, काफ़ी कलाकारी की हुई है इन पर। जैसे आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हो बिल्कुल, ये इसमें स्टोन लगे हुए हैं, अलग अलग किस्म के स्टोन लगे हुए हैं इसमें। सारा स्टोन के पत्थर के ऊपर वर्क है ये सारा, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। पीछे भी देख सकते हो काफी मतलब अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सी यहाँ नई नई चीजें देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हेलो सर जी, आपका नाम? सर मोहम्मद यासिन। कहाँ से हो सर आप? कश्मीर से। सर ये मैक्लोडगंज घूमने में कैसा है? घूमने में ठीक है, ठीक ठाक। आप तो यहाँ पे काफी टाइम से रह रहे हो, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमे हो सर आप? बहुत जगह घूमा है, जैसे बक्सर है, धर्मपुर वगैरह, नीचे सेमपुर है, और नॉर्मल इनका बहुत जगह है यहाँ पे। अगर आपको ऐसे घूमने का मौका मिले कभी कि मतलब कहीं जा रहे हैं, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? अपना ही देश कश्मीर, उससे बेहतर जगह तो है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने बात की यहाँ पे जिनकी शॉप है उनसे बात की। आप पीछे देख सकते हो काफी अच्छी अच्छी मतलब इसमें स्टोन पे जो काम हुआ है, बहुत ही मतलब तारीफ के काबिल है ये काम, बहुत ही अच्छा है। आइए आपको अंदर भी दिखाते हैं इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। आइए, दोस्तों मेरे हाथ में इस टाइम स्टोन है, आप देख रहे होंगे, मतलब कुछ अलग से इसकी शेप है, पर मतलब उठाने में काफी इसका वजन बहुत ज्यादा है, भारी है, और ये काफी ठंडा भी है। बिल्कुल ओरिजिनल चीज है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी चीजें आप देख सकते हो नीचे, ये सभी स्टोन है, पूरा स्टोन पे, ये जितना भी मतलब आप मटेरियल देख सकते हो हर काम ये स्टोन पे हुआ है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, और देख देख के बहुत मजा आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लग रहा हो। इनकी शॉप का नाम है द रॉक शॉप, आप भी यहाँ पे आ सकते हो, इंटरेस्टिंग सी चीजें देख भी सकते हो और ले भी सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा है, पक्का कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आइए और भी कुछ देखते हैं। जिसे ये काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स। ज्यादा टूरिस्ट पसंद करते हैं इनको या लोकल? ज्यादा टूरिस्ट और फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं, लोकल भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जिसको नॉलेज होगा इसके बारे में। इनकी कीमत मतलब कहाँ से शुरू होती है? स्टार्टिंग ऑलमोस्ट दिस लाइक 500 से, फिर इसका लिमिट नहीं होता इन स्टोन्स का। जी 500 से स्टार्ट है, 1 लाख भी है, 2 लाख भी है, 10 लाख भी है, 1 करोड़ तक पहुंच सकता है स्टोन्स। ये सारा मटेरियल कहाँ से आता है? ये ऑल ओवर वर्ल्ड से आता है, जैसे ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, US हो गया, सो डिफरेंट प्लेसेस से कम हो गया। आपके ज्यादा कॉन्टेक्ट है इसलिए मतलब आता है? कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट ही रहना पड़ता है ज्यादा बाहर देशों में, तो फिर सप्लाई वो यहाँ पे हम देते हैं। ज्यादा इन स्टोनों में मतलब ज्यादा जो काम होता है वो क्या चलता है, वो किस चीज की ज्यादा यहाँ पे सेल? रिंग्स वगैरह, पेंडेंट्स वगैरह, इयररिंग्स, ऐसे चलते हैं सब। कुछ और बताएंगे? और हीलिंग के लिए क्रिस्टल्स यूज होते हैं, तो पीपल हीलिंग के लिए भी लेते हैं रॉक क्रिस्टल्स वगैरह, या घर में रखने के लिए लेते हैं, बैड निगेटिविटी हटाने के लिए, तो उसके लिए, और वेल्थ वगैरह के लिए।
इसमें कितनी सच्चाई है कि मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव में कितने मतलब वो तो भरोसे के ऊपर डिपेंड है। अब आप जैसे हो, आप पंडित के ऊपर भरोसा ज्यादा कर जी। हम पंडित को मानते नहीं, समझ, क्योंकि ये कुदरती है, कुदरत को ज्यादा मानना चाहिए ना। इंसान को भी कुदरत नहीं बनाया, तो इंसान को क्यों हम मान, इंसान से अच्छा ना सीधे पत्र भेज जाए, क्योंकि कुदरत नहीं बनाया ये, वो तो नेचुरली है, समथिंग डिफरेंट है ये, वो वैसा पत्थर भी नहीं है जो रोड के ऊपर मिलेगा। कौन सा स्टोन है यहाँ पे जिसकी मार्केट में यहाँ पे ज्यादा सेल होती है? ज्यादा सेल ऑलमोस्ट सभी की होती है, लाइक डिपेंड, यू नेवर चूज द स्टोन, स्टोन चूज द पीपल, सो डिपेंड है ना किसको क्या प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से वो स्टोन लेता है। जी, आपकी शॉप का नाम यहाँ पे मतलब क्या नाम है आपकी शॉप? द रॉक शॉप नाम है। कितने टाइम से यहाँ पे आपने शॉप चलाई? ऑलमोस्ट समझो ये 35 इयर्स से यहाँ पे ये शॉप है, फैमिली बिजनेस है हमारा। अभी तो आपके अभी तक काफी मतलब जानते होंगे। हाँ, कॉन्टैक्ट बहुत है यहाँ पे हमारे, कॉन्टैक्ट बहुत है और कस्टमर भी बने हुए हैं, मतलब आपको सेल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है सेल करने। कौन से यहाँ पे मंथ में ज्यादा मतलब आते हैं बाहर से टूरिस्ट या लोकल? मतलब आफ्टर लाइक अप्रैल, अप्रैल के बाद फिर आते हैं टूरिस्ट, अप्रैल लाइक मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सो मॉनसून यहाँ पे होता है जून जुलाई में, तो उस वक्त भी काम होता है। अच्छा, आजकल यहाँ पे जैसे पिछले कल ताजा स्नोफॉल हुई है यहाँ पे, तो काफी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी शॉप पे? ठीक ही है वैसे, लेकिन ज्यादातर अभी इंडियंस है, तो फॉरेनर अभी नहीं है, क्योंकि ठंड में वो पसंद नहीं करता रहना, और क्राउड में जो फॉरेनर्स होता है वो क्राउड और ठंड पसंद नहीं करते, तो इसकी वजह से लेस ही है, लेकिन चलो ठीक है। कब आपकी ज्यादा सेल मतलब गर्मियों के टाइम में ही होती है? गर्मियों के टाइम पे ही होता है। ठीक है जी। हाँ दोस्तों, अभी मैं खड़ी हूँ द रॉक शॉप में, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो काफी अच्छा लगा यहाँ के ओनर से बात करके, उनके विचार जान के। उन्होंने हमें काफी कुछ बताया अपनी शॉप के बारे में, स्टोन के बारे में, कि कहाँ से ये सब कुछ आता है और कैसे इस पे काम किया जाता है। बहुत अच्छा लगा बात करके, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। देखते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।